लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सेवन इट सेज एडज फिगर होप इज़ अ पहले जो फिगर दी हुई है ना ये होप वाली ये हमारा पहले है फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड एक्स वाई जेड निकालना है और प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करी है एक्स वाई जेड निकालने में तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो हम वाई निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आई कैन सी कि एक एक्जेड बन रहा है और जेड किस केस में बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में वाई इज इक्वल टू फोर्टी सो यू विल राइट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन द ब्रैकेट सेकेंड सेकेंड मैं निकाल सकती हूँ यहाँ पे दिस कम दिस एंगल दिस इज सेवेंटी यू कैन सी ठीक है अब ये भी सेवेंटी होगा पूरा मिला के फोर्टी और जेड वाला क्यों क्योंकि दे आर कॉरस्पोंडिंग एंगल्स फोर्टी प्लस जेड इज इक्वल टू

x फाइंड आउट करना है तो x कैसे निकलेगा पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं ये वाला एंगल कैसे निकल सकता है लीनियर पेयर से इसको हम ले लेते हैं एंगल वन एंगल वन और सेवेंटी में क्या रिलेशन है दे आर पेयर ऑफ लीनियर पेयर बिकॉज दे आर फॉर्मिंग वन एटी डिग्री लीनियर पेयर ब्रैकेट में लिखोगे और उसके बाद यू कैन फाइंड एंगल वन वन एटी माइनस सेवेंटी हो जाएगा विच इज़ वन हंड्रेड टेन डिग्री तो आपका एंगल वन वन हंड्रेड टेन आया और उसका ऑपोजिट एंगल ई होगा विच इज़ वन हंड्रेड टेन डिग्री वन मतलब एक्स की वैल्यू आ गई है आपके पास यहाँ पे एंगल एक्स आ गया अब हमें फाइनली यही फाइंड आउट करना था एक्स की वैल्यू आ गई वाई की वैल्यू आ गई जेड की वैल्यू आ गई सारे पेयर्स भी लिख दिए हमने मेंशन कर दिए कि कौन से कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका और यहाँ पे आप इन द एंड लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पेलेलोग्राम सो यस दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन विल बी मूविंग टू वन नाउ